नमस्कार साथियों, मैं विशाल कुशवाहा, आपके अपने चैनल भी केजरी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है उसका एक्सरसाइज 3.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कार्तिक तल में मतलब निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है, किस कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस होता है, किस कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई का मान माइनस होता है, प्लस होता है, किसे भुज कहते हैं, किसे कोट कहते हैं, हम इंट्रोडक्शन कल का क्लास में इसको कर लिए थे। आज एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, तो एक्सरसाइज में जो हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन और फर्स्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन और फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों इसी से सॉल्व होगा। आपको बनाने की विधि जैसे देख लीजिएगा कि जो यहाँ पे जो रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो इस तरह क्षैतिज रेखाएं हो रही हैं वो यक्स यक्स डैश इसको हम माने हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इसको हम वाई मानेंगे और वाई डैश मान लेंगे। तो आपको ये पता था, कल बताया था दोस्तों जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं यक्स वो राइट साइड में अपने यहाँ पे मूल बिंदु दिख रहा है, मूल बिंदु वो है, मूल बिंदु से जो क्षैतिज रेखाएं होती है राइट साइड में पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड में निगेटिव होती हैं, और मूल बिंदु से ही जो वाई ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ निगेटिव होती है। इतना तो अब क्लियर हो गया था कल। यहाँ पे जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स को जब राइट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिख रहे हैं, एक्स को जब मूल बिंदु से लेफ्ट में आ रहे हैं तो निगेटिव लिख रहे हैं, वाई को ऐसे ही ऊपर जब जा रहे हैं मूल बिंदु से तो पॉजिटिव लिख रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निगेटिव लिख रहे हैं। इतना तो अब क्लियर हो गया था। जब क्लियर हो गया चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कार्तिक तल में किस बिंदु की स्थिति निर्धारित, कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। कोई भी बिंदु निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, तो आप देख लीजिएगा कोई भी बिंदु, मान लीजिए इस पर आप बिंदु निर्धारित करते हैं, इसको बिंदु निर्धारित करते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु निर्धारित करते हैं, इसको लेके यहाँ पे कोई बिंदु निर्धारित करते हैं, तो जो बिंदु निर्धारित करते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप इसको इसको मिलाते हैं, तो इन दो रेखाएं का जो यक्ष है इसको और वाई का इसमें सहभागिता होती है तभी बिंदु निर्धारित होता है। तो यही पूछ रहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है जो बिंदु निर्धारित करते हैं। तो आप क्षैतिज रेखा ये है तो क्षैतिज वाला जो है वो यक्ष हो जाएगा, ये क्या जो यह सच है ये क्षैतिज है, क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा है दोस्तों, क्षैतिज रेखा कर लीजिए, क्षैतिज रेखा है ये कि सिंगल है। आप दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर एक सच तो पता चल गया कि क्षैतिज जो होता है एक सच होता है, इतना तो पता चल गया, तो एक सच एक निर्धारित करेगा क्षैतिज रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा पूछ रहा है तो ऊर्ध्वाधर रेखा दोस्तों ऊर्ध्वाधर रेखा आपका हो जाएगा वाई एच। बिंदु निर्धारित करने के लिए एक्स अक्ष की जरूरत पड़ेगी, वाई एच की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई एच। इतना पास फर्स्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से फर्स्ट क्लियर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन इसी में देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इन दो रेखाओं में, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग के नाम क्या होता है दोस्तों, इसको आप फर्स्ट मानते हैं और इन दोनों रेखाएं से मान लीजिए ऊपर से इससे मिलकर ये भी एक तल बन रहा है, ये भी एक तल बन रहा है, ये भी एक तल बन रहा है, और ये भी एक आपका तल बन रहा है, इसको हम इरेजर कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, ये भी एक तल बन रहा है। तो दोस्तों चार तल बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं दोस्तों ये बता दिए, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये चार तल बन रहा है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ, चार तल मानते हैं ना, चार तल, चार चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, फोर्थ थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, जो तल बन रहा है ये क्या हो गया दोस्तों, सेकेंड का आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश है, ये भी है और ये भी है। तो फर्स्ट चतुर्थांश है, सेकेंड चतुर्थांश है, और ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। तो आपको दोस्तों चतुर्थांश पता चल गया। तो ये क्या है, दो रेखाएं जो तल बनता है वो चतुर्थांश होता है। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रच्छेदित करती है। तो आपको दो फिगर देख के पता चल गया वो बिंदु कौन सी है जहां दोनों रेखाएं दूसरे को काट रही है, प्रच्छेदित कर रही है। तो वो बिंदु क्या है दोस्तों, यहाँ पे मूल बिंदु जो शून्य है, जो शून्य यहाँ पे दिख रहा है यही मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, काट कर प्रच्छेदित कर रही है। तो तीसरा का हो जाएगा दोस्तों मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु, मूल बिंदु पे क्या हो रही है दोस्तों, मूल बिंदु पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं या होती हैं।
मूल बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रच्छेदित होती हैं। तो पता चल गया फर्स्ट क्या होगा, सेकंड, थर्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको इस फिगर से पता चल गया होगा। मैं अपने तरफ पूरा कोशिश किया समझाने के लिए, फिर भी समझ में नहीं आता, वीडियो को और दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर हमसे नहीं जुड़े हो, तो आप नीचे रेड लाइन का जो लाइन दिखेगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको उस पर ओके करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंच जाए और आपको दिक्कत ना हो देखने में। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।